राजस्थान की सियासत की बात करेंगे, जहां पर हर दिन नई हलचल देखने को मिलती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है और इसमें ये कहा गया है कि कोरोना पर विशेष चर्चा करनी है और इसीलिए ये सत्र बुलाना चाहते हैं। 6 बिल पेश करने हैं और बहुमत साबित करने का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं और मूल्यों पर बीजेपी द्वारा निरंतर प्रहार किया जा रहा है। राज दर राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को धन बल एवं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से अस्थिर करने का एवं गिराने का कुंठित कृत्य किया जा रहा है। जहां एक ओर संपूर्ण विश्व एवं मानवता कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है, वहीं आमजन को राहत देने के स्थान पर केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिरा दिया। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा इसे अनदेखा किया जाना स्पष्ट करता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर केंद्र की भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन्हीं की सरकार ने जो केंद्र सरकार की SOP थी उसके साथ जो आपदा प्रबंधन का जो कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरीके से पूरे राजस्थान में धरने किए। महामहिम ने यही पूछा कि फिर मेरी सुरक्षा कौन करेगा। ये कोई अखाड़ा नहीं था, दंगल नहीं था। इस तरीके से राजस्थान की शांति को, सुकून को अराजकता में धकेलने के दोषी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार है। शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दाव कितना काम आएगा? देखिए ना जो कि अजीब विडंबना है राजनीति की। देखिए, जिस कोरोना के लिए विधानसभा को बंद किया गया था, अशोक गहलोत चाह रहे हैं उसी कोरोना पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाए। दरअसल शव और मात का खेल चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। अब अशोक गहलोत ने देर रात प्रस्ताव भेजा है कि 31 जुलाई से हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, इसमें हम कोरोना पर चर्चा करेंगे। दरअसल राज्यपाल ने यही कहा था कि आपने लिख के नहीं भेजा है कब से बुलाना चाहते हैं और एजेंडा क्या है आपका। दरअसल नवजोत, विश्वास मत हासिल करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा अशोक गहलोत ने। जैसा कि मीडिया में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम साबित करना चाहते हैं। दरअसल चाल यह है कि बिल रखा जाए और बिल के जरिए व्हिप जारी किया जाए और सचिन गुट के विधायकों को सदस्यता निलंबित अयोग्य घोषित कर दिया जाए। जैसे ही स्ट्रेंथ कम हो जाएगा तो अपने आप कांग्रेस की सरकार बहुमत में आ जाएगी। दरअसल कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन वो राज्यपाल पर दबाव बना रहे हैं कि हम बहुमत साबित करने के लिए बनाना चाहते थे, लेकिन अब जाके सामने आया है कि स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि कोरोना पर चर्चा के बहाने सचिन पायलट गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कर बहुमत हासिल करें। जी, नजर आप बना रखिए। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए।